hands through the highways till my shadow turns to sun rays. Number 5. एक इंसान का एक छोटा सा घर था, सिर्फ एक लाइट बल्ब और एक पंखा था, और वो उत्तर प्रदेश में रहता था। एक दिन पता है कितने का बिल आया? 1,00,000 का बिल आया। अगर ये मैं कहूँगा तो कहेंगे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है ना। उसे 1 करोड़ नहीं, 128 करोड़ का बिल आ गया। नंबर 4. एक इंसान था जिसका नाम था स्टैनली मेयर, और वो एक इंसान था जिसने एक कार बनाया था जो कि पानी से चलता है। ये इम्पोसिबल है, मुझे भी पता है, लेकिन हुआ था लोगों के हिसाब से और उनके हिसाब से, और जो तेल कंपनी थे तेल के भरोसे पे टिके हुए है, उन लोगों ने उनको मरवा दिया, ये लोगों का मानना है। कौन मारा ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। उसका जो प्रोटोटाइप था, मतलब गाड़ी था, उसको भी लॉस कर दिया गया। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। पर फैक्ट नंबर 3, जब ये मधुमक्खी विंग्स को फड़फड़ाती है तो ऐसे आवाज आता है, ऐसा ही कुछ आता है। तो जब अपने विंग्स को हिलाती है तब ऐसे साउंड आती है, वाइब्रेशन वाला। अननॉर्मली लोग हाथ को कितने तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं, 1 सेकंड में 2-3 बार कर सकते होंगे, पर एक मधुमक्खी अपने विंग्स को 1 सेकंड में 160 बार फड़फड़ा सकती है। इस समय इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डायमंड को एक बार अफ्रीका से इंग्लैंड ट्रांसफर किया गया था, इसे समुद्र से ट्रांसफर किया गया था एक बहुत बड़ा ग्रैंडर शिप में। उनको चोरी करने के लिए चोर किसी भी हद तक जा सकते हैं। सच में वो चोर लोग वहाँ पर पहुँच ही गए। फैक्ट नंबर 1, ये एक फैक्ट है कि एक वॉलेट मतलब पर्स जिसे MIT में क्रिएट किया गया था, पैसा आप रख सकते हो नॉर्मली, पर वो आपके बैंक अकाउंट से नेट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। मतलब आपके बैंक अकाउंट में अगर कम पैसे होंगे तो वॉलेट खोलने में मुश्किल होगी, पर अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उसे ज्यादा पैसे है तो उसे खोलने में दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से खुल जाएगा। मतलब जितने कम पैसे होंगे उतने इफोर्ट लगाने पड़ेंगे, जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने आसान से खुल जाएगा। जस्ट भाई भी आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किए इतने अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। तो बाय बाय।